हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अपूर्व और आप सबको आपका चैनल प्लान एंड प्रोफाइल पे स्वागत है। प्रीवियस सेशन पे हम आपको दिखाए थे कैसे पॉइंट क्रिएट किया जाता है। आज का सेशन में हम आपको दिखाएंगे कैसे पॉइंट स्टाइल चेंज किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक कैनल का टोपोग्राफी ड्राइंग है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट क्रिएट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट क्रिएट किया गया है। अब हम इस पॉइंट का स्टाइल चेंज करके आपको दिखाएंगे। इस पॉइंट का स्टाइल चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। फॉर्मेट पे आके लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल पे जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट स्टाइल दिख जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी ये वाला पॉइंट स्टाइल सिलेक्ट किया गया है, हम अभी इसको ये स्टाइल करके दिखाते हैं आपको। देखिए, और दूसरा स्टाइल ये वाला देखिए, और एक स्टाइल देखिए। बस ऐसे आपको पॉइंट स्टाइल चेंज करने के लिए आपको जो भी पॉइंट स्टाइल आपको पसंद है वहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, आपका पॉइंट स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट स्टाइल सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके कर दिया, यहाँ पे देखिए पॉइंट स्टाइल चेंज हो गया। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे पॉइंट का जो साइज है उसका चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट साइज 1 है, हम इसको 2 करके देखते हैं। अच्छा, आपका जो पॉइंट का जो साइज है वो फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिट पे करने से आपका पॉइंट का जो साइज है वो फिक्स हो जाएगा, पर रिलेटिव टू स्क्रीन करने से आपका स्क्रीन का हिसाब से आपका पॉइंट का साइज बड़ा या छोटा होगा। जैसे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल एब्सोल्यूट यूनिट पे करने से ये जो ओरिजिनल पॉइंट साइज है 2 मीटर, इसका 2 मीटर सही हो गया जैसे, और इसको रिलेटिव स्क्रीन से करने से आपका ये पॉइंट का जो साइज है वो आपका स्क्रीन का हिसाब से छोटा या बड़ा होगा। तो फिर हम रिफर करेंगे आपको हर वक्त आप एब्सोल्यूट यूनिटी सिलेक्ट कीजिएगा। एब्सोल्यूट यूनिट पे आप इसका हाइट मान लीजिए 1 कर दिया, तो फिर 1 का हिसाब से जो हाइट होगा, फिक्स जो हाइट होगा वही आपको दिखाएगा। अभी देखिए इसका हाइट 0.5 कर दिया, छोटा हो गया, पर रिलेटिव यूनिट करने से आपका पॉइंट का जो रिलेटिव एज पर स्क्रीन करने से आपको पॉइंट का साइज हर वक्त चेंज होते रहेगा दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका स्क्रीन का जूम बड़ा है तो फिर इसका साइज छोटा दिखाएगा। ऐसे बहुत पूरा ड्राइंग को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तो इसका साइज चेंज होते रहेगा। तो फिर हमारे हिसाब से आप पॉइंट का जो यूनिट का जो स्टाइल है, पॉइंट का जो स्टाइल है वो एब्सोल्यूट यूनिट पे ही कीजिएगा। ऐसे यहाँ पे पॉइंट का जो लेयर लेयर के बारे में और एक दूसरा वीडियो पे आपको बताएंगे। पॉइंट का हर एक पॉइंट का एक लेयर सेपरेट सेपरेट लेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बहुत सारे कलर यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पॉइंट है ये जीएल पॉइंट है, एक कैनल का जो जीएल पॉइंट रहता है ये जीएल पॉइंट है। ये बैंक का पॉइंट है, ये भी बैंक का पॉइंट है, ये बेड लेवल का पॉइंट है, ये सेंटर लाइन का पॉइंट है। कैसे एक पॉइंट को एक लेयर पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक पॉइंट को एक अलग सा लेयर पे आप रख सकते हो, वो हम आपको दूसरा कोई वीडियो पे दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।